मीनाक्षी मुझे मेरा चप्पल दो, बाहर निकलना है। कोई आए तो कहना मेरा इंतजार ना करे, मंदिर के काम से जा रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है। क्यों रे, गाड़ी साफ कर लिया? हाँ साहब, गाड़ी साफ कर दी। चल चाबी दे। साहब मैं ही चलाता हूँ। अरे भाई चल चाबी दे। ऑयल चेक कर लिया ना? हाँ सर बराबर है। और ब्रेक? एकदम फर्स्ट क्लास। आप गाड़ी चला कर तो देखो, उसके बाद पता चल जाएगा। चलाने पर ही पता चलेगा तेरा काम करने का तरीका। गाड़ी साफ हो गया हो तो कवर डाल के रख देना। ड्राइवर के लिए बुलाया था, लेकिन मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ या साइकिल का ड्राइवर हूँ पता नहीं, एक दिन भी गाड़ी नहीं चलाई है। साफ कर करके गाड़ी घिस गई है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सरपंच जी? आ गए। नमस्ते। अरे देखो सरपंच जी आ गए। नमस्ते। पहले प्रार्थना कर लो। गणपति बप्पा महोत्सव चलाना है, तू ही आज्ञा दिलाना। सभी लोग आ गए हैं ना? हाँ, हाँ, सभी आ गए। पंडित जी हमने जो तारीख तय की है, क्या उस तारीख पे महोत्सव शुरू करते हैं? देवी माँ से पूछ के बताइए। बताता हूँ। अच्छा शगुन है, माता ने अपनी आज्ञा दे दी है, आप शगुन की तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। पंडित जी बहुत खूब। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। आने वाले 15 तारीख को अपने गांव में महोत्सव शुरू करने का निर्णय लिया गया है, आप सभी लोग सहमत हो ना? हाँ, 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 दूसरी बात, इस साल का चंदा 500 रूपए बढ़ाकर 1500 लेना तय हुआ है। क्या मतलब तय हुआ? किसे पूछकर तय किया आप लोगों ने? महोत्सव समिति ने तय किया है। कौन है ये महोत्सव समिति? ये मरा हुआ सड़ा हुआ लोगों को रखकर महोत्सव समिति बोलोगे तो हम मान लेंगे? बांध संभाल के बात कर। तू क्या बोला समझ में आ रहा है? थोड़ा सब्र रखो। अरे तो क्या करूं? आप देख रहे ना किस तरह से बात कर रहा है? हाँ? अगर अभी मेरी शादी हुई तो 10 बच्चे पैदा कर सकता हूँ मैं। हाँ? उस जमाने से ही हम लोग पौष्टिक आहार खाते थे, तुम लोग तो जहर पी के जिंदा हो। चुप बैठो भाई, उम्र में छोटा है उसको समझ नहीं है, तुम उम्र में बड़े हो उसकी बराबरी का बोल रहे हो। क्यों रे मारी मुथू, तू क्या बोलना चाह रहा रे? पहले तो बारिश का आता पता नहीं और ऊपर से खेत जमीन सब सूखा पड़ा हुआ है, सभी लोग बेरोजगार बनकर बैठे हैं और ऊपर से 500 रूपए बढ़ाकर पूछोगे तो कहाँ से दे पाएंगे हम? ये तकलीफ तकलीफ किसे नहीं है मारी मुथू? साल में एक बार महोत्सव मनाकर हम देवी माता को खुश करते हैं, लेकिन अगर इसको हमने रोक दिया तो अनर्थ हो जाएगा बाबा। तुम्हें मजे करने हैं और हमें देवी का वास्ता दोगे तो हम क्या सारे लाएंगे? मारी मुथू हर बात पर रोक लगानी जरूरी है क्या? महोत्सव में 4 गांव के लोग आएंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अच्छा माहौल होगा। होगा होगा, तेरी दुकान का धंधा अच्छा होगा इसलिए तो तू बोल रहा है ना? अरे मारी मुथू तुझे चंदा देने में तकलीफ हो तो बोल, तेरा चंदा मैं दे देता हूँ। मेरा चंदा देने वाला तू कौन होता है? बोला ना महोत्सव नहीं चाहिए। हे तू कौन होता है रे महोत्सव रोकने वाला? हाँ? हमारे दादा परदादा उस जमाने से ही ये महोत्सव मनाते आए हैं, ये रीति रिवाज वही बना कर गए हैं। इस वंश में पैदा होकर महोत्सव रोकने की बात कर रहा है तू? तेरा वंश मिट जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, समझा? मुंह बंद कर ले। मैं मेरा मुंह बंद करता हूँ चाचा, ये महोत्सव तुम लोग कैसे चलाते हो मैं देखता हूँ। मारी मुथू तू इतना बड़ा आदमी बन गया, नशे में है तो कुछ भी बोलेगा, चल बैठ नीचे। नहीं गोपी तू इसमें दखल मत दे। खा मखा झगड़ा कर रहे हैं। पंचायत में 4 लोग 4 तरह की राय देते हैं, तभी तो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। अभी क्या इसके लिए आपस में लड़ मरोगे? देखो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तय तारीख पर महोत्सव होगा, सब जाओ अपना काम करो। पूरा गांव तेरे पीछे है इसलिए तू उछल रहा है ना, एक बार महोत्सव हो जाने दे फिर तेरा खेल खत्म। हाँ हाँ देख लेता हूँ क्या करेगा तू, चल। जब से तुमको देखा मैंने मैं तो हिल गया। छोटे ए छोटे। अरे भाई बताइए ना पेंटिंग कैसी है मेरी? हाँ जवान होके इतना फीका पेंट मारता है, पेंट कैसे मस्त मिक्स करके मारना चाहिए। हाँ कस के मार भी दिए तो। यार ऐसे अकड़ के जा रही है, तू कहे तो मैं पेंट कर दूँ। अबे बुड्ढे यहाँ से निकल जा वरना ये पेंट तेरे सर पे डाल दूंगा। अरे बेटा सारी चीजें मुझ पे डाल रहा है, पता है एक जमाने में पेंट मारने में सुपरस्टार था मैं। जितने भी बुड्ढे हैं ना सब यही बोलते फिरते रहते हैं, पूरे दिमाग का कबाड़ा कर दिया, लगता है बुड्ढा सठिया गया है। नंदिनी के नाम से 1 किलो लिख। गोपी मेरा 1 किलो लिख लेना। दीदी तुम्हारा लड़का पहले से ही 2 किलो बोल गया है, तुम बस पैसे दे दो बाकी मैं देख लूंगा। बहुत अच्छा, खेती करो फसल उगाओ और तमाशा देखने वाले सब ले जाएं, नसीब खराब है मेरा। ये लो
मामा पैसे ले लो। देखो पिछली बार की तरह बुढ़ा बकरा मत लाना, ताजा लेकर आना, समझ गए? ठीक है दीदी, अब तू जा, मैं ताजा ही बकरा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, हमेशा यही बोलता है पर मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं किस किस से पंगा लेता है। अरे बेटा रुको रुको रुको, थोड़ा ये बोरी उठा दो ना। मदद करने में जो खुशी मिलती है ना। चाचा ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इस उम्र में इतना काम कर रहे हो? तेरे जैसा तो मेरा लड़का है लेकिन काम करने के पैसे मांगता है। अरे रे रे रे, क्या करे चाचा, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती ना। ठीक बोला बेटा, तेरा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, मैं सत्यवान। जैसा तेरा नाम है वैसा ही तो नेक इंसान है, तो फिर मैं चलूं? क्यों चाचा, अरे तुम तो बिना पैसे दिए निकल रहे हो क्या? कौन सा पैसा बेटा? अरे ये क्या, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं छुरी दिखा के पैसे मांग रहा हूँ। बोरा उठाया ना मैंने तो पैसे दो। तुमने तो मेरी मदद की ना बेटा। आप मदद समझ रहे हैं लेकिन मेरे लिए मेहनत है। बोरा उठवाया ना मैंने तो चलो पैसे दो और जाओ। अरे मजाक मत कर बेटा। क्या कहा, मजाक लग रहा है तुम्हें? अरे तुम सेठ लोगों का यही प्रॉब्लम है, तुम मेरा पैसा भी हड़पना चाहते हो क्या? अच्छा सेठ होने का घमंड दिखा रहे हो क्या मुझे? हम मजदूर लोग भी किसी के बाप से नहीं डरते, हमें कोई फंसा नहीं सकता, समझा क्या तू? मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अबे मुच्छर कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे बता दो, इसमें से मुझे कौन सा लेना, तुझे कौन सा लेना? जा जा दोनों तू ही रख ले, राजनीति में जाएगा तो तरक्की करेगा। कैसे कैसे लड़के आ जाते हैं। मैना, अरे सुनो। हाँ? उस फूगे के पैसे तो देते जाओ। हाँ देती हूँ देती हूँ। बिड़ू कहाँ जा रहा है तू? मैना, मैना के पास चाइना मसाज करने जा रहा हूँ भाईगा। अरे मैना को बाद में मिलेंगे यार, तूने कोड़ी को देखा? ना कोड़ी को देखा ना उसके बाप को देखा, जाने कल चाय की दुकान पे होगी। ज्यादा मुँह चला रहा है तू, क्या हुआ? जरा आकर कोड़ी को देखो। कोड़ी को चलो देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गांव के सभी छोटे और बड़े, इस साल का हमारे गांव का मंदिर महोत्सव का नेतृत्व करके बड़े उत्साह और जलोश की तैयारी करने वाले हमारे बड़े भाई जो है घंटानाथ। ए, हाँ, क्या बोला रे? घंटानाथ ऐसा बोला, ऐसे ठीक से बोला कर। ओके, बड़े भाई उनको गांव के परिजनों की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ और अब यहाँ पर नाच गाना शुरू होने वाला है। यारी ए, सभी भक्तजनों को सूचना दी जाती है कि अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखें और महोत्सव समिति की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि वस्तु या बच्चे गुम हो गए तो उनकी खबर पास के मंदिर के कार्यालय में दें। बजा 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 और जोर से बजा, आना मना और जोर से जल्द बजा बजा, मेहरबानी करके आप बाहर निकल जाइए। आजा बजा, ये गलत है। ओ बजा मारी मुत्तु जी, बाहर जाइए आप, बजा पीकर अंदर आना मना है। जोर से बजा बजा, नहीं आ सकते इसीलिए आप यहाँ से बाहर। हट जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं। मेरी बात सुन, हटना देख तू ठीक नहीं कर रहा है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, समझ गया कि नहीं? शराब पी कर आया है। अरे अपने दादा परदादा की इज्जत नीलाम कर रहे हो तुम यहाँ पर, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। घर चले जाओ। सरपंच तुम लोग सब नाचते हो उसकी बातों पे, हट बाजूट निकल। अरे मारी मुत्तु निकल यहाँ से, तेरा बहुत नाटक हो गया। जा रे जा बेवड़े कहीं के, जा निकल, चल यहाँ से निकल। बोलने वाला चल निकल। अरे तो मैं बता रहा हूं आराम से चल, यहां से क्या क्या कर रहे हो? मार उसको, निकाल लो, बात करो से। शराब पी कर आया है पेड़ कहीं का।
ए, तुम सब चलो। और महोत्सव समिति की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि वस्तु या बच्चे गुम हो गए तो उनकी खबर पास के मंदिर के कार्यालय में दे। अरे ये अरे क्या, क्या हो गया? अरे क्या क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सब कैसे हो गया? कैसे मालूम क्या हो गया? किसने किया? इसको आलान करके चले गए आप? हम लोग कैसे रहे थे? मामी, मामी संभालो अपने। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भगवान। क्यों पंडित जी ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? माता ने आज्ञा दिया क्या? पता नहीं, हमेशा माता पहली बार में ही जवाब दे देती है, लेकिन तीन बार कोशिश कर चुका हूं, कोई जवाब नहीं आया। पंडित जी एक बार पूरे मन से माता से प्रार्थना करिए, कोई उपाय है महोत्सव चालू रखने का तो पूछ कर बताइए। माता कोई गलती हुई होगी तो माफ करना, हमें महोत्सव शुरू करने की आज्ञा दे माता, हमें माफ कर दे माता। माता ने हमें आज्ञा नहीं दी, कोई दोष हुआ है। अरे ये कैसा न्याय है? वो दारू पीकर मर गया तो इससे क्या आप महोत्सव रोक देंगे? दूसरे गांव के सभी लोग इस महोत्सव में आए हैं और कितनों के रिश्तेदार भी आए हैं, उन सबको लौटा देंगे। ओ मामा जी, जो मारी मुथु गुजर गया वो आपके बिरादरी का भी था और मेरा मामा था, हमारे रिश्तेदार की मौत की कोई कीमत नहीं है क्या? अरे चुप रहो सब, ऐसे शांत रहोगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, अब आप ही बताओ क्या करें। अभी क्या बताऊं मैं, जहां तक मैं जानता हूं अपने गांव के महोत्सव में कभी ऐसा नहीं हुआ है, माता खुद महोत्सव नहीं चाहती हैं। आज्ञा के खिलाफ जाकर करेंगे तो अनर्थ हो सकता है, माता की आज्ञा का पालन करते हैं और इस साल महोत्सव रोक देते हैं। हर रोज इन दोनों का डब्बा तैयार करके इनको भेजने तक मेरी हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस आदमी को कोई फिक्र नहीं। अनीता तूने मेरी टिकली ली है क्या? कितनी बार कह चुकी हूँ हाथ नहीं लगाना। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं लिया है। तुझे बोला है ना मेरी चीजों को मत छुआ कर, क्या करती है तू? चुप करो। अरे कभी तो लड़कियों की तरह बर्ताव किया करो, जब देखो तब लड़कों की तरह लड़ती रहती हो। देखो फिर शुरू हो गई ना तुम, कितनी बार कहा है बच्चों के निकलते वक्त डांटना नहीं। आ गए आप इनकी वकालत करने, सुबह सुबह दोनों लड़ रही है, आपने आकर पूछा क्या? सर पर चढ़ा के रखा है इसलिए लड़कियों की तरह घर पर बैठना छोड़कर गाँव में नाच गाना करती है। शांत रहो, लड़कियां जब टीवी और सिनेमा में नाचती है तब तालियां बजती है और महोत्सव में नाचेगी तो हंगामा होता है। हाँ सही बोले पापा, माय स्वीट। पापा मैं इस साड़ी में कैसी दिख रही हूँ बताओ? तुझे क्या बेटा, तू तो हर ड्रेस में परी जैसी दिखती है। पापा मैं, अरे पापा तू छोटी परी जैसी दिखती है। ओके पापा हम लोग निकलते हैं। संभल कर जाना बेटा। ओके पापा। मैं भी निकलती हूँ पापा। ठीक है। देख लिया, सारी मेहनत मैं करती हूँ और चुम्मा पापा को। अब तेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुझे चाहिए तो मैं देता हूँ। पापा ओ मैं ये भूल गई थी पापा। ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। क्योरी तुझे फोन किया उठाया क्यों नहीं? क्या हुआ बोल। क्यों कोड़ी, एक ही दिन में बहुत फेमस हो गई हो तुम। ये लो तुम ही देखो। प्रभु देवा के डांस के बाद तुम्हारा ये डांस बहुत ही वायरल हो चुका है। ले। तुम्हारे साथ काम करती हूँ इसका मुझे अभिमान है। ज्यादा बोल मत, किसने अपलोड किया पता नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाय कोड़ी। हाँ? तुमसे हाय की उम्मीद नहीं करता मैं, क्योंकि इधर जितने भी आते हैं सब मेरे जैसे थोड़ी ना होंगे। वो तुम्हें कुछ बोलेगा, तुम उसे गाली दोगी, फिर मुझे पता चलेगा, फिर मैं जाकर उसे मारूंगा, फिर वो हथियार निकालेगा, वही कोई तैसे मैं उसको काट डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत फिल्मी लगेगा ना। प्यार में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें ऐसी हाथापाई अच्छी नहीं लगेगी ना। हेलो मिस्टर, जिस काम के लिए आए हो उसकी बात करो समझे। ऐसे फटक से झूठ कैसे बोल सकता हूँ यार, थोड़ा सा वक्त तो मिल जाता। ए,
डायरी। हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचती हो, ऐसे कैसे चलेगा? काशी, रामेश्वरम। स्वीटहार्ट, ये तो सारे के सारे बुड्ढे लोगों के पिकनिक स्पॉट होते हैं। अपने जैसे लवर्स ऐसे जगहों पर नहीं जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब है हम ताजमहल या एलोरा या अजंता जैसे लवर्स लोगों के लिए स्पेशल जगहों पर नहीं जा सकते। ऐसे जगहों पे हमारी एजेंसी टूर्स अरेंज नहीं करती। इसीलिए तो मेरे प्यार की कीमत तुम्हें समझ में नहीं आती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ से निकलो। निकलो निकलो। कुड़ी, एक दिन ना तुम्हें मेरे प्यार की कीमत जरूर समझेगी और तब तुम मुझे ढूंढती आओगी। महापुरुष, तुम निकलो। नमस्ते। इससे भी लड़की पड़ गई। कुछ काम धंधा तो करता नहीं, प्यार करने चला आया। सुनिए जी, मल्लिका आई है। कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ मामा जी, मुझे माँ के घर जाना है। बेशक जाकर आओ, कुछ दिन रहोगी तो मन हल्का हो जाएगा। नहीं मामा जी, मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों बेटा, वैसे गांव में तुझे किसी ने कुछ बोला क्या? वो क्या है ना कि मुझे मीनाक्षी, तू जा कॉफी लेकर आ जा। क्या तकलीफ है? कल रात को क्या हुआ? माँ, कोई तो दरवाजा ठोक रहा है। इतनी रात को कौन आएगा बेटी, तू सो जा, जा। किसी ने तो ठोका। अगर कोई दरवाजा खटखटाता तो मुझे भी सुनाई देता, तूने सपना देखा होता। जा सो जा। मरा हुआ आदमी दरवाजा ठकठकाता है? क्या बोल रही है बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, इतना दिन उसके साथ बिताया है। ये सब वहम है, इसलिए तो गांव छोड़कर जाना चाहती है। नहीं मामा जी, इस छोटी बच्ची के साथ मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? देख मल्लिका, तुझे मायके 10 दिन रहना है तो जाकर आ जा। जो चीज नहीं हो सकती है वो हुई है, ऐसा बोलना गलत है। ठीक है मामा जी। ये चीज तूने मुझे बताई, गाँव में जाकर और किसी को मत बताना, फिर गाँव के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समझ गई? ये तेरा ही घर है तो जब चाहे यहाँ आ सकती है और फिर यहाँ से जा सकती है। बच्ची के पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है बेटा, तू जाके आ ध्यान से। ये खटारा बस हमेशा सताती है। अरे भाई, किसने धक्का देने के लिए बोला है? अरे बाप रे, चलो चलो पीछे हट जाओ। धक्का देने के लिए किसने बोला? हाँ चलो आ जाओ। मैंने तो बस धक्का देने के लिए बोला, इसमें क्या हो गया? तुम्हें थोड़ी तो अकल होनी चाहिए, भाई को कौन सा काम देना चाहिए समझ है कि नहीं? अच्छा इसे छोड़िए भाई, आप मेरे साथ आइए। अरे अरे, गाड़ी को धक्का देने के लिए बोला, जायदाद थोड़ी ना मांगी। ये दूसरे गांव के हैं, भाई के बारे में तुझे अभी नहीं पता, इसलिए चुप रहो नहीं तो पछताओगे। भाई अब मेरे साथ चलिए ना, चलिए चलते हैं। भाई मैंने तुम्हें धक्का लगाने के लिए बोला ना। हाँ, बोला। मुहूर्त निकलने से पहले मुझे लड़की देखने जाना है, चलो धक्का लगाओ। अरे भाई, आप ही दूल्हा हो गए। अरे हाँ भाई, मैं ही दूल्हा हूँ। क्या पर्सनालिटी है। ऑल द बेस्ट। हां चलो हम धक्का देते हैं। ठीक है चलो चलो चलो, धक्का दो। तू ऐसे नहीं समझेगा, भुगतेगा, तुझे तभी अकल आएगी। भाई तुम लकी हो, तुम्हारे छूते ही बस चालू हो गई। हाँ हाँ, बस तो चालू हो गई, पर मुहूर्त खत्म हो चुका है, अब लड़की किसी और दिन देखते हैं। अपना भाड़ा तो गया। भाई देखो कैसे चल रहा है मुझ पे, मैं जाकर लड़की देखकर आता हूँ। थैंक यू भाई, शादी में पक्का आना। अरे तेरा थैंक यू लेकर मैं क्या करूँ, मुझसे काम करवाया ना, पैसा दो फिर। अरे भाई तुमने बस थोड़ी मदद की। तुम्हारे लिए वो मदद होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेहनत है। मैंने गाड़ी को धक्का दिया ना और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, तो चलो निकालो 2000। अरे 2000 रुपए? बस का भाड़ा है 400 रुपए, ये तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? तो तू मेरे से बार्गेनिंग कर रहा है? तो ये क्या मेरी मस्ती थी? मैं गाड़ी को धक्का लगा दूंगा, गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, फिर यहाँ से सीधा लड़की के घर जाकर तू शादी करके आ जाएगा, उसके घर से 200 तोला सोना उठाएगा, फिर लड़की के बाप से गाड़ी मांगेगा, बाइक मांगेगा, और उसके बाद शादी के बाद मजे करने के लिए तुम दोनों हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाओगे, उधर मजे मजे में दो अच्छे खासे बच्चे निकालोगे।
और तेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा है कि तू दो पे रुकेगा और निकालेगा, और ये सब होने के बाद मस्त खुशी से जिंदगी गुजार रहा होगा, और तेरी बंद गाड़ी चालू करने वाला मैं ऐसे ही बीच रोड में खड़ा रहूंगा और तू मस्त मजे करेगा। यार तू इतना अच्छा दिखता है, इतना जवान है, तेरे में बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? इस गाड़ी को बंद ही रहने दो, मैं लड़की देखने नहीं जा रहा हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे सिखा रहा था, अब जिंदगी भर याद रहेगा। अरे पीठ दुखने जैसा एक्टिंग कर, अबे मुझे यहाँ अकेले फंसा मत देना। अबे आ रही है, आ रही है। अबे आ गई लगता है। क्या भाई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अचानक से इसके पेट में दर्द होने लगा। मुझे बाइक चलानी नहीं आती ना, इसलिए धक्का मारकर हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तेरे पेट में दर्द है तो इस बैल को बिठाकर क्यों धक्का मार ले जा रहा है? बाप रे, तुमने गलत समझा, मेरे नहीं इसके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ से हॉस्पिटल 10 किलोमीटर होगा, तब तक ये दर्द सह पाएगा क्या? अरे ऐसा अनाप शनाप मत बोलना, मेरे दोस्त से तुम्हें प्यार तो नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते तुम इसकी मदद कर सकती हो। बेचारा पेट दर्द से मरा जा रहा है, प्लीज मदद कर दो ना, देखो ना कैसे तड़प रहा है दर्द के मारे मेरा दोस्त। ठीक है, मैं दूसरों की तरह मदद करने के पैसे नहीं लेती, उसको बैठने बोल। अरे संभल के उतर, संभल के बैलेंस बना के रखना, है ना, कुछ नहीं बोलेगी कंधे पे हाथ रख लेना, कुछ बोलेगी तो बताना। हां क्यों बेटा, इधर क्यों खड़ी है? क्या रे, क्या हुआ उसे? पेट पकड़कर नागिन की तरह क्यों नाच रहा है? अरे अब कुछ नहीं, वो उसके पेट में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके जा रही है। अरे हॉस्पिटल जाना है, चलना मेरी गाड़ी पे आ जा, मेरी गाड़ी मक्खन की तरह दौड़ती है। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये गाड़ी है ना। अरे क्या बोला रे तू, लड़की के पीछे बैठकर जाएगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे आ तू मेरी गाड़ी पे आकर बैठ जा, तू जा बेटा मैं इसे ले जाता हूं। ओके अंकल बाय। अरे 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 रुको रुको, अबे रोकना उसको, लेने पूरी वाट लगा दी यार। बैठ जा भाई बैठ जा। किसी को भी मदद चाहिए होती है तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ, समझा क्या? ए परिमला, ए क्या हुआ? अरे मैं रोक नहीं पा रहा। अरे सो जाओ ना, उम्र का लिहाज। अरे अकल की दुश्मन जोर से पेशाब आई है वो बोल रहा हूँ, तुझे बाहों में थोड़ी बुलाया। ठीक है मुझे कुछ अलग ही लगा, अगर जोर की लगी है तो उठकर बाहर जाओ ना, जाओ। रुक, पेशाब करके आता हूँ फिर देखता हूँ तुझे। कल रात कल्पना के घर उसके बकरे को काटकर खून पीकर चला गया। मुझे तो लगता है ये किसी भूत का काम है। हाँ, इतने दिन तक तो कोई भूत नहीं था, अचानक कल ही कहाँ से आ गया? मुझे तो लगता है उस मरे हुए मारी मुत्तू का काम है। तू कैसे कह सकता है कि वो मारी मुत्तू रहेगा? मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, मैं पेशाब करने गया था, वहाँ सिगार का बास आया, अपने गांव में मारी मुत्तू ही सिगार पीता था समझे, और जैसे ही पता चला मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। ऐसे भरी जवानी में मरने वाले भूत बनकर घूम रहे हैं, पता है? पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। ए, डरपोक इंसान, सारे गांव में यही बात बता रहा है, तभी सोचूं मेरे दुकान पे कोई आ क्यों नहीं रहा। चाय अच्छा बनाना सीख लो, सब आएंगे। बहुत हो गया तेरा, चल 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 निकल। अरे क्या हुआ दीदी? रुक देखती हूँ, पेट्रोल तो है ना, कल ही तो पेट्रोल भरवाया था। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरा एग्जाम भी है, जल्दी करो दीदी। अनीता कल ही फुल पेट्रोल भरवाया था, अब क्या करूंगी मैं। अरे भाई भाभी इधर ही खड़ी है, आज फैसला खरीदो। अरे कौड़ी क्या हुआ, तुम ऑफिस नहीं गई, ये स्कूल नहीं गई, क्या कर रही हो इधर? अरे पेट्रोल खत्म हो गया है इसीलिए यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे वो पेट्रोल तो हमने ही चुराया। पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? अरे यार यहाँ से पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर तो दूर होगा। भैया थोड़ा पेट्रोल दे दोगे तो हम पेट्रोल पंप तक चले जाएंगे। अरे अगर गाड़ी मेरी होती तो फटाक से मैं पेट्रोल दे देता, लेकिन इसमें पेट्रोल है ही नहीं, मुझे तो खुद ही यहाँ तक लेकर आया है। देखो ऐसा मैं काम कर सकता हूँ, तुम दोनों गाड़ी चलाओ और मैं पीछे से धक्का मार दूंगा। अरे अरे भाई मेरा मतलब है कि मैं गाड़ी को धक्का देकर ले जाता हूँ, धोखा थोड़ी दूंगा तुम्हें। यार कैसी बात करते हो। अरे सुनो, धक्का तुम खुद भी मार सकते हैं, तुम पेट्रोल दिला पाओगे कि नहीं? अरे मेरी माता जी तुम जानो और ये बाइक वाला जाने, मुझे बीच में मत घसीटो। अंकल अंकल अंकल, अरे भाई तुझे बुला रही है, क्या हुआ? पैसे चाहिए तो ले लो अंकल, थोड़ा सा पेट्रोल दे दो अंकल, प्लीज अंकल। बार बार अंकल बोल रही है। इस गोचू का चेहरा तुम्हें अंकल जैसा नहीं दिखता क्या? और मेरी पर्सनालिटी से मैं तुम्हें अंकल जैसा दिखता हूँ क्या? ये सब तुम्हारी बहन की ट्रेनिंग है, ऐसे वाले हो तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? मेरी बाइक से पेट्रोल निकालना और मेरे शरीर से खून निकालना एक ही बात है। तुम दोनों चाहिए तो मेरे साथ ट्रिपल सीट आ जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो चले। प्लीज दीदी ज्यादा मत सोचो, चलो ना दीदी जल्दी चलो, मान जाओ ना। अनीता मैं तेरे लिए आ रही हूँ। थैंक्स दीदी। अरे यार जल्दी चलो ना। भैया गाड़ी संभाल कर लेकर आना, ठीक है? मैं लेकर आता हूँ। क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये लड़के तंग कर रहे हैं क्या?
बोल बेटा, अंदर करवा देता हूँ। ये एरिया का इंस्पेक्टर अपना फ्रेंड है, ये है कि वो है। अंकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है बस। इतनी छोटी सी बात, मैं अभी टैंक फुल करवा के आया हूँ, समझा? ये क्या कर रहा है उसे? संभल कर जाना। थैंक्स अंकल। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों भाई, पीछे से धुआं क्यों निकल रहा है? हेलो डांसो, हे भाई ठीक है? अरे मारो, मैं मना नहीं कर रहा, पर किस कारण मार रहे हो ये बताकर तो मारो। किस लिए मार रहे हो मुझे पता नहीं, अपमान लग रहा है। बताकर मारना पड़ेगा क्या? तो सुन टकले, चार दिशा में चार लोगों को खड़ा रखकर रोड ब्लॉक करके बीच रास्ते में मेरी लवर को लॉक करके मेरा प्यार डेवलप करने का सोच रहा था। सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल देकर मेरा पूरा खेल खत्म कर दिया। अबे टकले साले, अब तू मुझे बता कि तूने जो किया वो सही था या गलत था? हाँ गलत जैसा लग रहा है। ये गलत कैसे? तो इसका मतलब तूने जानबूझकर किया ना? चलो मारो इसको। क्या बोला था? पीछे से धुआं निकल रहा है, अभी मैं निकालता हूँ। देख ये छोटे हाथी, चल मार पर। चल आ जा। पवित्रा, पवित्रा, गीता, गीता, क्या हुआ जी? पवित्रा अंदर गई है क्या? नहीं आपके अभी पास तो यहीं पर थी, न जाने कहाँ चली गई। भैया पवित्रा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे कहाँ गई? भैया आपने पवित्रा को देखा है क्या? नहीं नहीं पवित्रा। ए भाई, बच्चे कहीं नहीं दिख रहे यार, पूरे गांव का कोना कोना छान लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, इतनी रात को बच्चे कहाँ गई होगी। पवित्रा, पवित्रा, बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? ए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चुप बैठ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्या है ना? चुप बोला ना। ए, ये आवाज सुन, उस तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। हाँ सुनाई दे रहा है। ए, बच्चे को रात को बाहर क्यों सुलाते हो? पता है ना हालात क्या है? अरे उधर उधर इनको समझना चाहिए ना। यहीं से तो आवाज आ रही थी। ए पवित्रा, ए पवित्रा, ए तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन कर रहा है तुम्हें यहाँ पर? अरे क्या है, कौन करता है? तुम्हें पता कितने परेशान हो गए थे? क्या भाई, बच्ची पर ध्यान नहीं रख सकते? अरे कुछ हुआ तो नहीं? मेरे पास में ही सो रही थी, जब मेरी आँख खुली तो देखा ये थी ही नहीं, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई वो। ये देखो, ये मारी मुथु का ही काम होगा, अपने गाँव में सिगार पीने वाला ये एक ही आदमी है। ओ भाई क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो यार? अरे बच्ची नींद में चल कर आई होगी ना, मन में आया तो कुछ भी बोल रहे हो। चलो निकलो यहाँ से अभी, जाओ तुम सब लोग निकल जाओ। भाई तू बच्ची को लेकर निकल। यहाँ दिखता है, वहाँ दिखता है, क्या क्या बोल रहे हैं लोग। अरे रात को तो पेशाब के लिए भी नहीं उठता मैं, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अपने गांव में हो क्या रहा है यार? जो मरिमुथु गुजर गया था वो भूत बनकर पूरे गांव में घूम रहा है, ध्यान रखना बच्चों का। अरे तुझे कुछ पता है, बाजू के गांव में रात में भूतों के डर से कोई बाहर नहीं निकलता, कितनी ही तरक्की हो जाए लेकिन भूतों से हमेशा डर ही लगता है। क्यों रे, तुम सब पागल हो गए हो क्या? गांव में भूत है, पिशाच है, ऐसा बोल के बवाल कर रहे हो? दो दिन के लिए बाहर क्या चला गया था, सब अपना अपना चलाने लगे। हमारे ग्राम देव और कुल देव कई जमाने से हमारे गांव में हैं। इतने दिनों में कभी भूत पिशाच नहीं आया, अब कैसे आ गया है? हाँ अपने गाँव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये सच है, लेकिन मारी मुथु के मर जाने के बाद से अपने गाँव में अनहोनी सी घटनाएं घट रही है। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी नासमझ की तरह बोल रहे हो,
आप मेरी बात को समझिए, पेशाब जाते वक्त मैंने खुद देखा है। इधर सुन लो, इसके बाद यहाँ दिखा वहाँ दिखा ऐसा बोलते फिरोगे तो ध्यान रखना, खटिया खड़ी कर दूंगा मैं, भूत प्रेत। चलो अपना काम करो, फालतू बातें करते घूमते रहते हो, निकलो। बुजुर्ग आदमी होकर बच्चों जैसी बातें करते हो, निकलो यहाँ से। अरे भाई मेरी बात को सुनिए तो, यहाँ पर मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा। पंडित जी अर्चना हाँ। कराना था, मेरा नाम नाम कोड़ी है, मिथुन राशि, मृगशीर्ष नक्षत्र, शिव गोत्र, ट्रेवल कंपनी में काम करती हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए माता के दर्शन करने आई हूँ। ये सब आपको कैसे? ये सब अपने सत्या ने बताया। हाय कोड़ी, कैसी हो? सरप्राइज अच्छा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम मुझे ऐसा सरप्राइज दोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हें भी गिफ्ट देना होगा। ये लो, तुमने जो काम किया उसके बदले मेरा गिफ्ट। अरे यार कुड़ी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया उसका यही गिफ्ट है क्या? हेलो, डायलॉग मत मारो, तुमने जो काम किया उसका पेमेंट है, यही तुम चाहते थे ना? बस करो कुड़ी, तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही हो। जी हाँ मैं घमंडी हूँ, मेरे पीछे मत आना ठीक है? गया, चलो उतरो उतरो, चलो जाओ, चलो आगे बढ़ो। भैया आइए आइए, आप लोग को लेने ही जा रहा था बस स्टॉप पर और आप लोग खुद आ गए, ठीक हो ना? आओ आओ, चलो चलो। हाँ ठीक है। हाय डैड, डैड दरवाजा खोलो, डैड। परिमला, परिमला, अरे उठ तो सही। क्या हुआ? कोई दरवाजे पे है। अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो जाकर खोल दीजिए ना। अगर मुझे देखना होता तो तुझे क्यों उठाता? इतनी बड़ी मूंछ रखी है और लोगों से डरते फिरते हो। मूंछ तो मैंने रखी है लेकिन चाबी तो तूने रखी है ना, जा देख। अरे भी चैन से सोने नहीं देता ये आदमी। ज्यादा बोल मत। अरे आपस मम्मी, कितनी देर से खटखटा रहा हूँ, जल्दी खोल बे। अरे मारी मुत्तू है, मारी मुत्तू। ए मारी मुत्तू, क्या समझ के रखा है तूने? मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे डराने के लिए आधी रात को आया क्या तू? अरे अकल के दुश्मन आपा स्वामी, तेरा लड़का आया हूँ, दरवाजा खोल। देखा, ये अपने बेटे की आवाज निकाल रहा है। ए, तुझे क्या लगा बेटे की आवाज निकालेगा तो मैं दरवाजा खोल दूंगा? मैं पागल हूँ? आवाज बदल के बोल रहा हूँ, तू सही में सटिया गया है। सुनो भैया मारी मुत्तू, आपको पता है ना ये कितने डरते हैं, पास में किसी और के घर चले जाओ। क्या किसी और के घर जाऊं? मुझे भिखारी समझे हो क्या? ए मार, तू दरवाजा खोलती है, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं। अरे कैसी पागल औरत है, मुझे लगा था उसे समझा कर भिजवा देगी लेकिन तू उसे अंदर आने के लिए कह रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे भिजवाना था। हेलो मुर्गन, मरा हुआ मारी मुत्तू दरवाजे पे खड़ा है, सबको लेकर आ जा जल्दी। अरे दरवाजा खोलो रे, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। दरवाजा ही तो खटखटा रहा था, सड़क में इतने लोग जमा हो गए। अरे कौन हो आप लोग, कौन हो? अरे मारो नहीं, मारो नहीं। मार रहे, मार रहे, दरवाजा खोलो। छोड़ना इसे, मारो मारो इसे और मारो मारो मारो।
अरे रे, ये तो अपने बेटे की तरह दिख रहा है। हाँ हाँ, रोने की आवाज से तो अपना बेटा ही लग रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सत्या, ये अपना ही गिंडा है। अरे मेरे बेटे को मैंने ही पिटवा दिया, मुझे माफ कर। सब तेरी वजह से। अरे खुद के बच्चे में और भूत में फर्क नहीं दिखता तुझे, अपने बच्चे को ही पिटवाता है। क्यों बे, दरवाजा खटखटाते वक्त सीधे सीधे ये नहीं कह सकता था कि मैं बबलू हूँ? अरे मैं तो सरप्राइज देने वाला था। अरे मूर्ख, पूरा गांव यहाँ भूत से डरा हुआ है और तुझे अपने सरप्राइज की पड़ी है। चल अंदर आ, ये लेकर आई। जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चल अंदर आ। बोला ना मैं नहीं आऊंगा। नहीं आना तो निकल। बाहर गाँव का बोतल आया हूँ, नहीं चाहिए। हे भगवान, आ जा आ जा आ जा। आधी रात को गाँव वालों की नींद खराब कर दी, पूरा परिवार सठिया गया है। चलो चलो चल भाई, चल अंदर, चल, चल, चल तुझे दिखाता हूँ। ए बबलू, एक मिनट, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तू जैसे ही पहुंचा गांव वालों ने तेरी धुलाई कर दी, सब सठिया गए हैं यार। अबे ये गांव वालों ने मुझे ज्यादा नहीं पीटा, तुम चारों ने मिलकर पूरा गुस्सा उतारा है मेरे पर, समझे? नहीं रे बीड़ू, भूत समझकर पीट दिया हम लोगों ने, तू बुरा मान गया? भूत को पकड़ के मारते है कभी ऐसे जिंदगी में? महोत्सव में मैं आया नहीं, इसीलिए पूरा गुस्सा उतार दिया ना। यार बबलू, दो पेक चढ़ाने के बाद कुछ भी बकने लगा है तू। रात में तू और भूत एक जैसे। एक जैसे मतलब रात में चेहरा ठीक से नहीं दिखा, बस इतनी सी मिस्टेक हो गई यार, और तूने इस बात को इतना बड़ा बना दिया। छोड़ ना यार। उसे नहीं छोड़ूंगा सत्या, उसे छोड़ूंगा ही नहीं। मैं गांव में था तब मुझे मार कर फौरन भेज दिया, मर गया समझ कर फिर आया तो अब मुझे हमेशा के लिए भिजवा देगा लगता है। वो भूत हो या प्रेत हो, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। भाई तुझे उस भूत के बारे में पता नहीं है, तू काफी दिनों बाद गांव आया ना। वो भूत अचानक गलियों में दौड़ता है, दरवाजे खिड़कियां खटखटाता है। अबे सब गांव वाले डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे हैं, समझ गया? अबे भूत तो भूत, भयानक भूत। ए, भूतों के बारे में मुझे बता रहा है, वो भूत है तो मैं बबलू हूँ, समझा? भूत या ये बबलू आज देख लेते हैं उस। भाई भाई, मैं मीना से मिलकर आता हूँ, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई है ना, और ये टॉनिक मैं लेके जाता हूँ, थैंक यू। अरे जिंदा रहा तो सुबह मिलते हैं। अरे सिर्फ तू अकेले है, बिंदास आएगा मेरे साथ। बबलू तू मुझ पर शक कर रहा है क्या? तू ना सबसे पहले मुझे तेरा हाथ दिखा। चल तुझ पर किसी की। एक मिनट रुका जरा। कुड़ी कुड़ी कुड़ी, बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं, बोलो ना। बबलू कुड़ी लाइन पे है, इम्पोर्टेंट कॉल है। तू एक काम कर, तू सीधे सीधे चलते जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। हाँ कुड़ी बोलो ना। हाँ, अरे मैं मुझे तो सीधे जाने बोला और तू छोड़कर पीछे कहाँ जा रहा है? अबे तू पहले सीधे तो चलना, बात को समझता नहीं है यार। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जरा नेटवर्क का। जाओ रे डरपोक कहीं के, सब डर गए ना। ये शेर अकेले उस भूत से लड़ेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ रहा हूँ मैं। ए मारू भी, तू इस गाँव में तू रहेगा या मैं रहूंगा, आज एक एक हाथ हो जाए। मारी मुतु को आज छोड़ूंगा नहीं बोलकर निकला और डर के बारे फिर फौरन भाग गया। ए, पहले तुम हंसना बंद करो। कुड़ी हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे यार। बेचारा बबलू 4-5 साल बाद माँ बाप को मिलने आया था, उसे गांव से ही भगा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, भूत के नाम पे तुम्हें डर नहीं लगता? डर मुझे? पहली बार जब देखा तो बहुत डर गया था मैं, फिर चलते चलते देख देख कर उसके साथ दोस्ती कर करके बस यूं ही डर निकल गया, और उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत पसंद आ गया। तुम्हें भूत देखना है ना, उसे अभी देख सकते हैं क्या? अभी हाँ देख सकते हैं। कैसे? आंखें बंद करो। हाँ अरे करो ना यार। मैंने आंखें बंद करने के लिए कहा, तुमने मुंह क्यों बंद कर लिया? आंखें बंद करने के लिए क्यों बोला है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सत्यवान ना परमिशन के बगैर छोटे बच्चों को भी चुम्मा नहीं देता, समझी? अभी आंखें खोलो। आंखों में देखो, चश्मे में देखो मेरे, चेहरा बदल रहा है, गुस्सा कर रही है शायद। मैं भूत हूँ? परी वगैरह क्या क्या बोलते थे, हाँ अभी बताती हूँ। मुझे भूत बोलते हो? मुझे भूत बोलते हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार, मुझसे बात मत करना। मजाक कर रहा था ना मैं? मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। अच्छा सुनो मेरी बात। अरे इधर आओ। गुस्सा हो गई मेरी रानी।
क्यों रे पांडुरंगा, उस जमाने में लड़की अपने को क्या नाम से बुलाती थी? बटरफ्लाई बॉयज बोलती थी। तब तो हम हैंडसम हुआ करते थे, लेकिन आज देखो हमें बूढ़ा बुलाती है। संतरा अमरूद मौसम्बी ले लो। फल वाली ऑरेंज खाएंगे क्या? ऑरेंज कैसे किलो? 50 रुपए। 50 रुपए बोल रही है? जरा देखने तो दे, 50 के है या 20 के? देखो या मत देखो, रेट उतना ही है। पहले उतार के देखने तो दे संतरे कैसे है। अरे ये क्या, ये फल तो सारे सूखे सूखे लग रहे हैं। हाँ, जो देखते हैं वो हाथ लगाते हैं तो सूखेगा ही ना। अरे तू क्यों चुप बैठती है? नीचे उतारते ही फल पर हाथ लगाते हैं, तुमने भी तो ले रखा है। फल नीचे रखो। कितने किलो दूं? किलो के हिसाब से नहीं चाहिए, बस 2 चूसने के लिए दे देना। इतनी उम्र हो गई फिर भी मस्ती नहीं गई। 20 रुपए दे, ये पकड़। ये लो तुम भी खाओ। अरे मैं मदद करूं क्या? बुढ़ापे में बेवजह की तकलीफ क्यों उठा रहा है? बूढ़ा किसको बोलती है? थोड़े से बाल पक गए तो मुझे बूढ़ा समझने लगी? तू उठा, मैं हाथ लगाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगी। देखा, अभी फल खाते हैं। खाओ खाओ, मीठे लग रहे हैं। यहीं पर तो सोई थी, कहाँ चली गई? स्वाति, स्वाति, ए जी सुनिए ना, उठिए ना, अपनी बेटी स्वाति घर पर नहीं है। स्वाति, स्वाति कहाँ चली गई? अरे यार, कौन है ये रात को चिल्ला रहा है? बेटा स्वाति, पंडित जी इतनी रात में स्वाति का नाम क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे घर पर सोई हुई लड़की अचानक गायब हो गई। अभी जो 2 दिन पहले आई थी वही लड़की क्या? हाँ वही। गांव के हालात ठीक नहीं है, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास ही सोई थी भैया वो। अरे बगल में सोई बच्ची अचानक गायब हो गई, इसको क्या बोल रही बच्ची? ए स्वाति, स्वाति इतनी रात को अभी से कहां जा? बेटा स्वाति, स्वाति कहां चली गई? स्वाति अभी से कहां जाकर ढूंढे? स्वाति, स्वाति, ए बेटा कहाँ चली गई तू? स्वाति बेटा, देखिए ना भैया, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे अभी मैं क्या बताऊँ, पंडित जी के घर पर जो लड़की आई थी गायब हो गई है। पूरा गांव परेशान है, सब ढूंढ रहे हैं। गायब हो गई? यार अपने गांव में क्या चल रहा है ये? रात हो गई तो किसी न किसी को ढूंढो, वही चल रहा है। ठीक है तू निकल, चल तू जा। मारी मुथु गया है तब से हर रात शिवरात्रि हो गई है। अरे उस तरफ ढूंढ लिया, वहाँ वहाँ कहीं पर नहीं है। चलो चलो उधर फिर से एक चक्कर मार के आते हैं। हाँ तुम लोग उधर चलो, चलो चलो हम इधर चलते। अरे सत्या, सत्या लड़की कहीं नहीं मिल रही है। पंडित जी गांव के हालात पता नहीं है, बाहर गांव की लड़की लाकर घर पर रखी हुई है। ए तू जरा चुप बैठेगा, चलिए भैया। क्यों रे, गांव में मारी मुथु की आत्मा घूम रही है, ऐसा सुना था कि लड़की की ऊपर आ गई है और लड़की भी बाहर की है। अरे वही तो, उस लड़की को यहाँ से भेजना चाहते थे, वो कह रहा था उसे मार देगा।
भैया मुझे तो लगता है लड़की यहाँ से जाते वक्त डेड बॉडी बनकर जाएगी। इधर एक भूत पेपर पढ़ रहा है। hey, अपना मुंह बंद कर। सुबह सुबह कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकता मुझसे। भूत भगाने के लिए बाहर से तांत्रिक को गांव में बुलाया गया है। देखना सब कुछ अच्छा होगा। तू जाकर अपनी दुकान खोल। ओम काली नमः भद्रकाली। ओम काली नमः। ओम काली नमः। ओम काली। ओम काली भद्रकाली। कौन है रे तू? इधर आ। तुझे क्या चाहिए? क्या चाहती है? चल बता। तुझे क्या चाहिए? बोल। बोल। मुझे पूरा गांव चाहिए। तू कौन है? कहां से आया है? क्या पूछ रहा है तू? तुझे कुछ पता भी है? इज्जत से गांव छोड़कर निकल जा। यहां से निकल जा। क्या देख रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? गांव से निकल जा। मुझे आग दिखाएगा। निकल यहां से। जा। नहीं जाऊंगा मैं। ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मैं जरूर सबका बदला लेकर रहूंगा। बहुत देखे तेरे जैसे मैंने। तुझे कैसे भगाना मैं जानता हूँ। तुझे भगा कर रहूंगा। निकल यहाँ से। तेरी चलाकी मेरे पास नहीं चलेगी। छोड़ूंगा नहीं। अभी बताता हूँ। ओम क्रीम ब्रीम काली। ओम क्रीम ब्रीम काली। ओम क्रीम ब्रीम काली। बताता हूँ अभी मैं तुझे। देख मैं क्या करता हूँ। जाएगी जाएगी नहीं जाएगी। निकल यहाँ से। जला इसे। हाँ, जला है। क्या मुझ पर ही भूख रहा है? तेरी चीजें उठा। चल उठा। मेरी नहीं सुनेगा तो जला कर रख दूंगा। उठ यहाँ से। चल उठ यहाँ से। उठ यहाँ से। क्या देख रहा है? निकल बाहर। निकल। चल हटियो। देख क्या रही है? ए! चल चला गए। कोई नहीं आएगा। तुम सब यहीं पर रुकोगे। कोई नहीं आएगा आगे। चल निकल आगे बढ़। गांव वाले बेचक डर जाए लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकती। गांव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक मैं हूँ तब तक गांव वाले सब सुरक्षित हैं। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। शमशान में तुझे मैं बंद करके रखूंगा। समझता क्या है तू? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। निकल जा यहाँ से। देखो ना क्या हुआ। हाँ। अरे अरे बचाओ। क्या अरे हुआ स्वामी जी? अरे इस गांव में कोई नहीं रहना। अरे गांव वाले गांव खाली करके भाग जाओ। जल्दी गांव छोड़ो। भागो भाई भागो। अभी तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। सब भाग चलो। अरे तुम्हारी जान को खतरा है। अरे गांव वाले गांव खाली करो। अरे निकलो भागो यहाँ से। अरे वो नहीं छोड़ेगा किसी को। क्या हुआ स्वामी जी? क्या हो गया आपको? अरे 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 तुम सब गांव वाले शमशान के ऊपर बैठे हो। इस गांव में खून की बदबू आ रही है। मरा हुआ मारी मुत्तू जाग गया है। अरे इस गांव में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। इस गांव को मिटाए बगैर वो छोड़ेगा नहीं। इसके आगे भी कहीं रहोगे तो गांव बसा लोगे। जान बचेगी तो सुरक्षित रहोगे। जान चली गई तो क्या करोगे? मेहरबानी करके गांव खाली कर दो। अरे समझो इस बात को। अरे मेहरबानी करो। अपनी अपनी जान बचाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ स्वामी जी। यहाँ देखो यहाँ पर कई आत्माओं की शक्ति है लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ बुरी शक्तियों को लेकर घूम रहा है। यहाँ पर जितने भी घूम रहे हैं सब बुरी बहुत मरे हुए लोग हैं। जहाँ पर मरते हैं वही उनका घर और दुनिया होती है। इस गांव में कोई भी जीव राशि को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। स्वामी जी आपको हम भगवान जैसा समझ रहे थे। आप खुद ऐसा कह रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है क्या? बोलिए। एक ही रास्ता है। तुम सब लोगों को गांव छोड़कर निकल जाना चाहिए। गांव छोड़कर निकल गए तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा अगर उसे कोई नहीं दिखा यहाँ पर तो। लेकिन कितना समय लगेगा ये पता नहीं मुझे। अरे मुझे छोड़ो। तुम कितने बड़े भी तांत्रिक को बुला लाओ लेकिन वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो तुमको मिटा देगा। चलो चलो यहाँ से। ए, निकलो। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ गाँव है। यहाँ पे कोई बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। हमको इस गांव से बाहर कोई नहीं निकाल सकता है। ये अपनी जमीन है, अपना गांव है। हम यहीं पे जिएंगे। इस गांव को कैसे बचाना है मुझे पता है। सब जाकर चैन की नींद सो जाओ। सब जाओ। अर्पण जी
कौन है? कौन है इतनी रात में? अरे कौन है रे? हाँ, अरे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मारे मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. दरवाजे बाहर से बंद हो गया क्या? साहब मैं ही हूँ. इतना पसीना क्यों छूट रहा है? क्यों डरे हुए हो? आपका आवाज सुनकर मैं दौड़ा चला आया. क्या बोल रहे हो आप? यहीं पर तो था. क्या है? यहाँ कुछ नहीं है साहब. मारी बतू, क्या बोल रहे हो? कहाँ है? यहाँ पर कोई नहीं है. आप डरो मत. अरे आप चिंता मत करो. है यहाँ पे खड़ा है साहब. साहब मुझे बचाओ, मारी बतू आ गया. साहब बचाओ मुझे. माँ. हाँ? मुझे सुबह जल्दी क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ, साहब कौन से कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं? अरे हाँ माँ, चेन्नई के कलेक्टर ऑफिस में मेरा पोस्टिंग हुआ है, मुझे साइन करने जाना था. क्या बात कर रही हो? बस मुंह चलाता रहे और काम धाम कुछ मत कर. जवान बच्चे सुबह जल्दी उठकर बकरी गाय चराने के लिए जाते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं. तेरे पिताजी 10 आदमी का काम अकेले ही करके आते थे, पर इसे तो शर्म ही नहीं है. अरे मेरी माँ, सुबह सुबह अपने पति का पुराण शुरू मत करना. गलती से बोल दिया मैंने, माफ कर देना मुझे. शुरू हो जाती है यार सुबह सुबह. अच्छा हो जाता अगर मैं खुद ही जल्दी उठ जाता. भाभी, बाजू के मोहल्ले से रात में बहुत आवाज आ रही थी, सुनाई दी क्या आपको? आजा. शाम को बंद हुआ दरवाजा, सुबह ही खुलता है. तुझे तो इस बीच क्या हुआ कुछ पता ही नहीं रहता है कभी भी, और सुबह सुबह किस्सा सुनने आ गई. गुस्सा मत करो भाभी. अब मैं तुझे क्या बताऊं? वो जो मारे मिथू मर गया था ना, वो ना सरपंच के घर पर भूत बनकर आ गया. अरे रे, ये क्या बोल रही है? पूरी बात तो सुना कर पहले. सरपंच ने सपने में देखा कि वो उसका गला घोट रहा है, और उसने डर से चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को जगा दिया. मरा हुआ इंसान ऐसे घर घर जाता है? अरे मुझे क्या पता. अरे चाची, आज रात वो आप ही के घर पे आने वाला है, ऐसा सरपंच की बीवी को बताया उसने. चल जा. ठीक है, मैं चलती हूँ. जाइए चाची, जाइए. चाचा बुला रहे हैं, अंदर से दरवाजा टाइट बंद कर लेना. जाइए. ए, जितनी उम्र है उतना बोला कर, अंदर जा. दिन दहाड़े अकेले बुजुर्ग के घर घुसकर 50 तोले गहने की चोरी. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. बुजुर्गो को ही निशाना लगाया जाता है. सत्या, सत्या यहाँ कैसे? अरे आप यहाँ कैसे? कैसे? अरे क्या देख रहे हो? अरे भैया आप. अरे क्या सत्या, थका हुआ लग रहा है. जाकर कोल्ड ड्रिंक पी ले, अपनी ही दुकान है, जा समझा. लेकर आता हूँ. नहीं कहीं दिखा हुआ ऐसा लग रहा है. कहाँ दिखा, याद नहीं आ रहा. भैया वो आप ही हो ना? सत्या बस कह रहा है, अब तो जा यहाँ से. चल ठीक है. सत्या एक मिनट. हाँ? वो लड़की कौन है? मैं उससे शादी करने वाला हूँ. शादी में जरूर आना है, और खाना खाए बगैर मत जाना. भूलिए मत, जरूर आना है आपको. फैमिली को भी लेके आना. कुड़ी ये पकड़ना जरा. हाँ ये कौन हो सकती है? अरे हाँ, आइडिया. अरे ये तो अपनी बेबी है. अच्छा तू है, अच्छी हो ना? जमाना खराब है, संभल कर जाना. तेरी वजह से मैंने मार खाई और तुम दोनों जोड़ी बनकर घूम रहे हो हैं? क्या माँ खाना नहीं रखा? टिफिन खाली है? माँ मुझे देर हो रही है. माँ मैं तुमसे बोल रही हूँ, जवाब दो ना माँ.
अनीता स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। नहीं दीदी आप जाओ, मैं बस से चली जाऊंगी। पापा पॉकेट मनी, पापा पॉकेट मनी। क्या पापा, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, पॉकेट मनी दीजिए, मुझे देर हो रही है पापा। आप सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, मैं नहीं पूछूंगी। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। पापा आप जितने अच्छे हो, सत्या भी उतना ही अच्छा लड़का है। मैं उससे ही शादी करूंगी, समझे आप, यही मेरा फैसला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कनेक्शन देने नहीं गया क्या? यूज निकाल के पैसे वसूल करता है ना, परेशान करके रखा है, चैन से कहीं बैठने नहीं देता है। क्यों रे छोटे, बीवी को अकेला छोड़कर यहाँ बैठा है? मेरी आंख चुभ रही, कैसे कपड़े पहन रखा है तूने, हट। पेपर पढ़ रहा है, बहुत नसीब वाला है, खाने पीने का टाइम नहीं हुआ क्या? लगता है तेरे मुंह में बम लगाना पड़ेगा। गोपी एक बीड़ी उधार दे। उधार देना बंद कर दिया है, बैंक में तो करोड़ों का उधारी देता है, मुझे एक बीड़ी उधार नहीं दे सकता? बीड़ी लेके लंदन भाग जाऊंगा क्या? बीड़ी खरीदने के पैसे तो है नहीं तेरे पास, और करोड़ों की बात कर रहा है तू है? देखा एक बीड़ी के लिए कितना सुना रहा है, एक बीड़ी की वजह से मुझ पर भरोसा भी नहीं करता। ये बोलो मैडम कौन है भाई? गोपी दो क्रीम वाले, दो जैम वाले और दो चॉकलेट, आधा किलो पिस्ता और दो परफ्यूम की बॉटल। बस हो गया। क्यों मैना, अकाउंट बढ़ते जा रहा है, अमाउंट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ दे देंगे। दो महीने कौन देगा, सर ढक कर आया है, लगता है यही सेटलमेंट करेगा। कौन है ये? इसको जानते हो क्या? पूरा अमाउंट सेटल करोगे तो अच्छा रहेगा। कौन है ये, जब देखो तब टक्कर आता है, कभी हेलमेट उतारता है या नहीं, नालायक करेगा। चुप करके बैठ जाना। क्यों बे, मैं ना को तो उधारी दे देता है, मुझे नहीं देगा क्या? कैसे वसूल किया देखा ना, अभी तो निकलता है कि नहीं बताऊं तुझे। मैं कहां से लिया तो हाथ उठाता। माँ कम से कम एक दिन तो स्वादिष्ट खाना बना ही सकती हो ना। क्या माँ, तेरे पिताजी ने 20 सालों तक मेरे हाथ का खाया, एक दिन भी बुरा भला नहीं बोला, समझा? अरे तुझे नहीं बताया होगा लेकिन पूरे गांव को बताया होगा, पता है हमेशा पति की सहेली थी। ए तेरे पिताजी को मेरे हाथ से एक मिर्ची भी ना। मामा, तेरा पति पुराण फिर से शुरू मत करना, खाना एकदम स्वादिष्ट बना है। दूंगी तुझे, चुपचाप खा ले। अरे क्या हुआ, पानी देना माँ। इसीलिए कहते हैं माँ के हाथ के खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुपचाप खाना भी नहीं खा सकता। क्यों माँ, हिचके आने से तो घर पर मेहमान आता है ऐसा कहते हैं ना। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये क्या नया बता रहा है, ज्यादा ही दिमाग चलाता है। कोई तो मेहमान आएगा ही। अरे आ गई। कौन है? अरे बेटी आजा खाना खा ले। पहले उठो सासू माँ, आप भी बोल रही हो ना, उठो। पहन कर आओ, आप भी पहन कर आइए सासू माँ, जल्दी निकलेंगे। क्या देख रहे हैं आप, 10 से 11 मुहूर्त का समय है, जल्दी निकलिए। ये सब क्या है, मेरे और माँ के हाथ में कपड़े थमाकर मुहूर्त की बात कर रही हो? एक बात बताओ, शादी करने का इरादा है क्या? हाँ, आज हम दोनों की शादी होने वाली है, चलो जल्दी निकलो। मजाक मत कर, आजा बैठ जा, तू खाना खा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। क्यों बेटा इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे नहीं है सासू माँ, मेरे घर वालों को है, हम दोनों के बारे में घर में पता चल गया है, इसलिए दूसरा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले से तुम खुश हो सकती हो, लेकिन सोचो माँ बाप को कितनी ज्यादा चोट पहुँचेगी, माँ बाप को दुख पहुँचाकर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं तेरा सुख चाहती हूँ, जरा सा सब्र कर, मैं खुद तेरे घर तेरा हाथ मांगने के लिए आऊंगी बेटी। मामा मामा, घर पर आई हुई महालक्ष्मी को मना क्यों कर रही हो? ए मेरे घर की महालक्ष्मी को कब घर लेकर आना है ये मुझे अच्छे से पता है। माँ इसमें तेरा कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है ना? और बात में मजाक करता है, चल बैठ खाना खा, तू भी आ खा ले। सच कह रहा हूँ भाई। अरे हाँ सुन रहा हूँ ना यार। तो चल के आई हुई लड़की को मुर्गी को दबोचते वैसे दबोच कर घर चलाना छोड़कर हमारे साथ बैठकर अचार चाट रहा है। मेरी माँ कहती है कि वो मुहूर्त निकालकर सारे गांव वालों के सामने मेरी शादी करवाना चाहती है, माँ ने कहा इसलिए मैंने मान लिया। फिर तब तक ऐसे कंटिन्यू करेंगे ओके? वो छोड़ पहले ग्लास दे मुझे।
बस हो गया, कल रात को पीते हैं। अब जमता है तो देख, नहीं तो चाय वाले की लड़की को उठाते हैं। उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, सबको उठाते हैं। वो सब मेरा काम है, तू सीधे चल पहले, सीधे एकदम सीधे चल। अरे सीधे घर चल, नैना के घर मत चले जाना। क्या यार, गांव में कोई दिख नहीं रहा अभी? सब डरपोक लोग हैं, सो गए होंगे। सुन, तुझे अकेला जाने दूं तो तू जाएगा नहीं, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है? ए, मैं पूरे गांव का बॉडीगार्ड हूं, तू मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। जा जा, घर जा। अरे जा जा, सुबह कहां पड़ा मिलेगा पता नहीं, चल बाय। जानता हूं, मैं सब जानता हूं, गांव का चप्पा चप्पा जानता हूं। अरे हम रात को अकेले। शंकर, उठ। चाची, चाची, ये शंकर, ए उठना। अरे शंकर, ए अरे उठना यार। चाची ये कैसे हुआ? शंकर, चाची, चाची, चाची नहीं, मैंने उसे। क्या हुआ? ए शंकर उठना यार। हे भगवान, अरे सरपंच देखिए ना, ये शंकर, तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, उठना। क्या हो गया पंडित जी? वो नंबूतरी ने कहा वैसे ही हो गया। रात में यहाँ वहाँ डरा रहा था मरी मुत्तू, अभी एक जान ही ले ली उसने, और अभी क्या क्या करने वाला है पता नहीं। कैसे हो गया यार? जो हो गया सो हो गया। घर पर माँ का रोना बंद ही नहीं हुआ, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर बैठे हो। नहीं कुड़ी, कल रात को अगर हम इतना ज्यादा नहीं पीते ना तो आज हमारा शंकर जिंदा होता, मैं भी उसके मरने का एक कारण बन चुका हूँ। तुम कारण कैसे हो सकते हो? वो तो अखा गाँव कहता है मारी मुथु ने उसे मारा था। गाँव वाले हजार बातें कहेंगे लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। तुम भरोसा मत करो, ऐसे ही बैठे रहो। शंकर के साथ जो हुआ तुम्हारे साथ भी होने दूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, समझे? देख लेना। नमस्कार। हाँ, इडली का टॉप, राइस का टॉप, सांभर का टॉप, वड़ा का कढ़ाई, प्लेट वाला चम्मच, जग। हाँ, इडली का टॉप, राइस का टॉप, सांभर का टॉप, वड़ा का कढ़ाई, लोटा लोटा, लोटा लोटा। इसको देख के लोटा लोटा बोल रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे मामा शांत हो जाइए ना,
आराम से बात कीजिए, ठीक है? कौन से गांव से आया है और क्या बेच रहा है? अमिताभ बच्चन की छोले वाला बर्तन है, धर्मेंद्र की लोहा वाला बर्तन है, शाहरुख खान की बादशाह वाला बर्तन है, अक्षय कुमार की खिलाड़ी वाला बर्तन है, तुझे कौन सा चाहिए बता? मजाक उड़ा रहा है? और क्या बोलूं? एक भी बर्तन नहीं बिका, सुबह से धंधा नहीं हुआ, टेंशन में हूँ मैं। अभी होगा तेरा धंधा। मामा, इस खेल में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरा टाइम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं चलता हूँ। अपने बर्तन से भी ज्यादा चमक रही है। मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है, किस रेट में लोगे बताओ? अरे क्या है ये, खाली मुँह से बर्तन कहोगी तो कैसे चलेगा? बर्तन का साइज क्या है, बर्तन का वेट क्या है, बर्तन का कलर कैसा है? क्या कहा, बर्तन का कलर है? अबे बुड्ढे, अबे क्यों कढ़ाई की तरह मुँह खोल रहा है? अरे बर्तन जूना है, अंदर जाकर घिस घिस कर देखना पड़ेगा ना कि एल्युमिनियम है कि पीतल है, तभी तो समझ में आएगा। ये बर्तन वाले, घटिया लोगों से बात क्यों कर रहा है तू? वही तो। मैं घटिया हूँ क्या? अरे अंदर आजा, मैं अकेले वो बर्तन नहीं उठा पाऊंगी, थोड़ा सा आकर हाथ लगा देना। हाँ हाँ, ठीक से दिखाना बर्तन, वाटी दिखाना, चम्मच दिखाना, सारे बर्तन ठीक से दिखाना। पुराने बर्तन तो तुझे पसंद नहीं ना? हाँ, पता है ना, तू अंदर आ चुपचाप। ये बर्तन वाले, सब कुछ ठीक से देख लेना, नीचे से ऊपर से, कहीं बर्तन बेचने के बाद पछताना ना पड़े। अरे मेरी फिक्र मत कर, तू जा काम कर अपना, चल यहाँ से जा कर देख, पता चलेगा। तू जा, आज इस बर्तन को उठाना ही है मुझे। माँ मत छोड़ कर जा, मुझे मुझे छोड़ कर मत जा। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ मुझे छोड़ कर मत जाओ माँ। अरे अरे देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक औरत ने फांसी लगा ली। अरे जल्दी यहाँ पर आओ, देखो एक औरत ने फांसी लगा ली, वो मर गई। ये देखो, जल्दी उतारो, क्या हो गया? नीचे उतारो उसे, नीचे उतारो। क्या हो गया? क्या 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 अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे रखो रखो, उतारो उतारो, आराम से, नीचे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे नंदनी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू? अरे नंदनी उठना, आंखें खोलना नंदनी, अरे उठना नंदनी। अरे पंडित जी देखिए ना, नंदनी को क्या हो गया, अरे उठ ही नहीं रही है तो। अरे नंदनी, अरे कहाँ चली गई तू? नंदनी उठाओ ना इसे कोई, अरे उठा ना बेटा इसे नंदनी। अरे ओ मणि, हाथ में कविता लेके कहाँ जा रहा है? अरे पागल कहीं के क्या कर दिया, अरे गला काट लिया इसने। अरे कोई आओ, जल्दी आओ मणि, मणि अरे उठाओ इसे, उठाओ जल्दी उठाओ। अरे मणि, अरे क्या कर दिया इसने पागल। नंबूदिरी ने जैसे ही बोला वैसे ही तीन लोगों की जान ले ली, पता नहीं आगे क्या होगा और कितने लोगों की जान लेगा पता नहीं। मेरे हीरो कहाँ पर हो, जान सकती हूँ? मैं घर पर ही हूँ। सच में घर पर ही हो? ए, घर पर हूँ बोला ना मैंने तुम्हें। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। चलो माँ को फोन दो। माँ, तेरी बहू बात करना चाहती है, उसे बता कि मैं घर पर ही हूँ। हाँ बोलो। क्यों बेटी, आज काम पे नहीं गई? नहीं सासू माँ, आज छुट्टी है, मैं घर पर ही हूँ। इसे बाहर मत जाने देना, आपसे झूठ बोलकर बाहर निकल जाता है। तुमने जिस दिन से शर्त रखी है उस दिन से घर पे ही है ये, कहीं बाहर नहीं गया। हाँ एक प्रॉब्लम है, काम करने नहीं देता है, पीछे पीछे घूमकर मेरी जान लेता रहता है। ठीक है, ज्यादा देर बात मत कर, चाय वाला देखेगा तो चिल्लाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है सासू माँ। ए, क्यों सुबह सुबह फोन करके उसे परेशान करता है, कभी कभी तो छुट्टी मिलती है उसे। उसने किया और डांट मुझे। थोड़ा सा प्याज काट दे। क्या, मैं और प्याज काटूं? माँ तुम्हें समझ में आ रहा है तू मुझे क्या करने के लिए बोल रही हो? अभी ये काम मैं करूंगा क्या? अरे तेरे पिताजी होते तो आँख से आंसू आएंगे, इसीलिए मुझे प्याज तक नहीं काटने देते। अरे मेरी माँ रुक जा। अरे मैं प्याज तो क्या, घर का सारा काम कर दूंगा, ठीक है? तू अंदर का काम संभाल, ठीक है? जा जा, सारा प्याज काट देना और आलू भी छील कर रखना। अरे बापरे, ए बड़ा बड़ा मत काटना, छोटा छोटा काटना। हाँ हाँ छोटा छोटा ही काटूंगा, तू सिर्फ पैसे रेडी रख। हाँ रुक जा, आती हूँ। माँ मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, माँ जल्दी आना। जरा रुक, आती हूँ। Yeah.
डॉक्टर, मुझे माँ के साथ जाना है, मुझे माँ के साथ जाना है। सत्या, सत्या, ये क्या हुआ? माँ अभी कैसी है बेटा? कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम लोगों ने डॉक्टर से तो बात की है ना? डॉक्टर ने कुछ कहा? पता नहीं, डॉक्टर अंदर है, इलाज चल रहा है, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। ए, तू घर पे ही था ना उस समय? वो पूरा जल गई, तू क्या कर रहा था वहां पे? कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तू चिंता मत कर, माँ को कुछ नहीं होगा। नमस्ते। जान को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ 30% बर्न हुआ है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरो मत, ट्रीटमेंट करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। 3 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर जरूर ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं माँ से मिल सकता हूँ? बेशक मिल सकते हो, माँ को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। माँ, 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 तुमने ऐसे क्यों किया? बताओ मुझे, मुझे छोड़कर जाने का तेरा मन कैसे किया? बताओ मुझे। माँ, माँ मैं समझा नहीं, माँ बता ना। माँ मैं समझा नहीं। माँ, माँ को तंग मत कर, हिम्मत रख तू। यहाँ देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर खुद बताए हैं, हम सब है ना, तुम बस हिम्मत रखो। बहन, अपने कुलदेव तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम शीघ्र ठीक होकर घर आ जाओगी। सच में ठीक हो जाएगी ना? तुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। माता रक्षा। सत्या, जल्दी आ, माँ चली गई रे। तेरी जुबान नीली रंग की कैसे हो गई बे? मुझे भी दिखा। अरे हाँ हाँ, इसकी जुबान तो नीली हो गई। अब देख कैसे रंग बदलता हूँ। अरे हाँ, ये कैसे हो गया? तो नीली हो। अरे कैसे? ए उल्टा से, अरे कितनी बार समझाया तुझे, भगवान के सामने रखी हुई विभूति लाकर ये क्या कर रहा है तू? दे इधर, चल दे। और ये मुंह में क्या रखा है तूने? मुंह खोल, कहती हूँ ना, मुंह खोल, मुंह खोल। क्या खाया तूने? जुबान तेरी नीली हो गई। अरे बच्चे को क्यों ऐसे डांट रही हो? पता नहीं भैया, इसने क्या खाया है, देखो ना इसकी जुबान नीली हो गई है। आ इधर, मुंह खोल जरा। अरे खोल ना। कुछ भी तो नहीं है दीदी। अभी तो थी सत्या। मैं उसे डांटू इसलिए तुम ऐसा बता रही हो ना? मैंने बोला ना बच्चों को डांटा मत करो। अब जाओ, पहले घर जाओ। ए, खेलने के बाद सीधे अपने घर जाना, ठीक है? चल जा। चॉकलेट में कुछ भी केमिकल डाल देते हैं। समझा माँ, विभूति ना मुंह में रख ले तुम। मैंने तो विभूति मुंह में रखी थी, लेकिन नीले रंग में कैसे बदल गई?
अभी तो दिखा था, इतने में गायब हो गया। क्या खाया है? देखो ना, इसकी जुबान नीली हो गई है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे बच्चे की जुबान एकदम नीली सी पड़ गई है। पंडित जी से मांग कर लाई हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, बैठिए। आपका दिया हुआ विभूति टेस्ट करके देखने पर इसमें सुसाइड किलर नाम का एक खतरनाक पॉइजन मिला हुआ है। सुसाइड किलर? ये दुनिया के सभी देशों में बैन किया गया दवाई है। जनरली ये दवाई ऐसा है कि सामान्य लोगों को आत्महत्या करने की इच्छा होती है। पारिवारिक वातावरण, कर्ज का बोझ, पारिवारिक परेशानियाँ, इन सब पर असर होता है। पर इस दवाई को जो भी खाता है, ये दवाई 100% उनके शरीर में फैलने के बाद उनको आत्महत्या करने के लिए वो दवा उकसाता है। जनरली फॉरेन कंट्रीज में ये दवाइयाँ सामुदायिक हत्या, प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये मैंने पढ़ा है। लेकिन ये दवा आपके गांव तक कैसे पहुँचा पता नहीं। ये किसी सामान्य इंसानों के हाथ नहीं लग सकता है। आपके माँ के मृत्यु का ये दवा ही 100% कारण है। गाँव के अंदर विभूति देने वाले को पकड़ो, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे सत्या, ऐसे अचानक सामने आके खड़ा हो गया, मैं तो बिल्कुल डर गया। गांव वालों को विभूति में क्या मिला कर दिया तुमने? किसके कहने पर तुमने किया? बोलो, चलो चलो जल्दी बोलो। नहीं वो तू सीधे सीधे जवाब नहीं देगा, मुझे पता है तुझसे कैसे उगलना है। मेरी माँ को मरवाया तूने। और कितने लोगों को दिया? बोल। सत्या सत्या, मैंने कुछ नहीं किया। किसके कहने पर किया तूने? बोल, मुझे नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। चल बोल। सही में नहीं पता, मुझे पता नहीं है तुझे? ऐसे नहीं बोलेगा, क्यों मारा तूने लोगों को? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। पत्थर नीचे डालो, मैंने कहा पत्थर नीचे डालो। चुप रहो तुम। सत्या छोड़ के, मुझे जान से मारना चाहता है, क्या हुआ इससे पूछो ना। बोलना, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सरपंच जी आप भी, मैंने कुछ नहीं किया, अभी सच में मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी निकाल, विभूति निकाल दे। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे दे। क्या निकाल रहे हो? अरे मैं अभी बताता हूं। हे भगवान, अभी बताता हूं। मुंह खोल तेरा, मुंह खोल, खोल मुंह खोल। ले रुको रुको, बता दो, बताता हूं मैं, बताता हूं मैं, बताता हूं, बताता हूं मैं, बताता हूं। एमएलए ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। पुजारी जी, जी साहब बैठिए, एमएलए साहब आ रहे हैं। पंडित जी, एमएलए साहब बुला रहे हैं। अरे मुझे देख के खड़े रहने की क्या जरूरत है? पंडित जी अभी आए क्या? हाँ साहब। अरे बैठो। नहीं नहीं, अरे बैठिए। काम धंधा कैसा चल रहा है? मेरा क्या बड़ा काम धंधा है, पूजा पाठ करके जो कुछ भी मिलता है उससे जिंदगी गुजार लेता हूँ, और क्या। अरे क्यों इतने परेशान होते हो पंडित जी? आप भी, जिंदगी कब रुख बदल देती है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन तकदीर जब दरवाजा खटखटाती है तो मुंह खोलने के बजाय उसे अपनाना चाहिए, समझे साहेब? मुझे सब पता है पंडित जी। अभी जो तुम सोच रहे थे ऐसी जिंदगी जीकर देखना चाहते हो,
अभी तो तुम पैसे की ओर देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ। हम जैसा सोचते हैं वैसे जी सकते हैं क्या? सपना देखकर जिंदगी गुजारना हमारी आदत हो गई है साहब। देख पंडित, तुझे अच्छी तरह पता है मेरा नाम स्वामीनाथन है। टकला कर कर चंदन लगा कर मंदिर में ही नाम रखा गया। हर कोई मुझे स्वामीनाथन करके बुलाता है। स्वामी स्वामी कहते हैं सब मुझे। उस स्वामी ने जो नहीं किया आज ये स्वामी करके दिखाएगा तुझे। सरवना, वो पैसे लेकर आना। ये ले पकड़, ज्यादा सोच मत, ले ले साहब। पंडित, मैंने पैसे क्यों दिए और तुमने पैसे क्यों लिए, इसी उलझन में हो ना? हाँ साहब। बताता हूँ, सब स्वार्थ के लिए ही है। हर एक इंसान की जिंदगी स्वार्थ के पीछे ही छिपी होती है। अपने गांव के महोत्सव की रात गांव खाली कराने के विषय में मैं और एमएलए के पीए बात कर रहे थे। इधर देख पंडित, जरा भी गड़बड़ हुई तो तुझे खत्म करके किसी और से काम करा लेंगे, समझे? तेरे बारे में खबर देने के लिए मैं इधर हूँ। अरे सरवना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा। महोत्सव खत्म होने दे, एक एक को इस गाँव से कैसे निकालता हूँ देख तू, तब पता चलेगा कौन हूँ मैं। मरी मत्तू, अरे आ बैठ ना, एक गिलास ले ले। सरवना, मरी मत्तू आया। झूठा नहीं पिता, कौन रे तू? उसके साथ बैठकर गांव खाली कराने की बात कर रहा है क्या? साजिश चल रही है, पूरा गांव अच्छे बुरे के लिए तेरे पास आता है और तू इन गांव वालों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, सबको बता दूंगा मैं, मुझे क्या समझ रखा है। ये देख पंडित की सुन, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं लेकर देता हूँ। 5-10 रुपए किसी से मांग लूंगा, पर गाँव वालों को धोखा बिल्कुल नहीं दूंगा। ए मरी मत्तू, तुझे भगवान समझ कर सर झुकाया तो सर काट लेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, पूरा गांव तुझे नेक इंसान समझता है। तू कौन है आज इस गांव को समझाता हूँ, चल आ जा। अरे हाथ निकालना, निकाल, किसको पकड़ रहा है, निकल यहाँ से, इसके ऊपर हाथ लगा रहा है, चल। किसके ऊपर हाथ उठाया तूने पता है ना तुझे? पूजा करके 5-10 रुपए के लिए तुम लोगों के आगे जिंदगी भर भीख मांगता रहूं, लक्ष्मी खुद चल कर आई है, कैसे छोड़ दूं? गांव वाले भगवान के नाम से डरे या ना डरे, लेकिन भूत के नाम से जरूर डरेंगे। इसलिए मरा हुआ मरी मुट्ठी जैसे मैं नाटक करने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे। मरी मुत्तू भूत बनकर आया है, ऐसी जगह जगह बातें चलने लगी। डर और बढ़ने के लिए मैंने बाहर से एक लड़की मंगवाई। मैंने उस लड़की को मरी मुत्तू के घर जाकर भूत की तरह तमाशा करने को लगाया। मरी मुत्तू की आत्मा उस लड़की के शरीर में होने का मैंने गांव वालों को भरोसा दिलाया। उस भूत को भगाने के लिए खुद एमएलए ने एक नंबूदरी को भेजा था। उस नंबूदरी के कहने के बावजूद भी कोई गांव खाली करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन एमएलए ने खुद मुझे फिर से मिलने के लिए बुलवाया था और मैं एमएलए से मिलने के लिए वापस गया। नमस्ते साहब। साहब, भूत का डर मैंने सबको दिखा दिया है, सबके अंदर बहुत ज्यादा डर है, लेकिन कोई भी गांव खाली नहीं कर रहा। भूत के डर से कोई गांव खाली नहीं कर रहा है? हाँ। मौत का डर दिखाया तो? हाँ, भाग जाएंगे। इसको विभूति में मिला देना। उस एमएलए की दी हुई दवाई को विभूति में मिलाकर मैंने गांव वालों को देना शुरू किया। एक एक करके लोग मरने शुरू हो गए, इनमें से सिर्फ तेरी माँ बच गई थी। कहीं तेरे माँ के जरिए दवाई का सच पता ना चल जाए, इस डर से एमएलए के कहने पर तेरी माँ को मारा। hey, गांव खाली करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था, बोल। ए, तेरे पीछे और कितने लोग हैं बता मुझे, बता। मैं तो सिर्फ एमएलए को ही जानता हूँ, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं और कौन कौन है मुझे कुछ नहीं पता। ए, अगर झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। साहब, सिर्फ गांव खाली कराना ही मेरा काम था, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। गांव खाली कराएंगे तभी सब सच पता चलेगा। अच्छा, गांव खाली कराने पर ही सच पता चलेगा, फिर तो खाली कराना ही पड़ेगा। Thank you.
सॉरी। हाँ वहाँ है पंडित जी। सॉरी, कम ऑन, वेलकम मैन, कम ऑन, कम ऑन मैन, यू लुकिंग सो नर्वस, व्हाट हैपेंड टू यू? कम ऑन मैन, चिल, व्हाट हैपेंड मैन? मनी, आई गिव यू मनी, डोंट वरी, ब्रिंग द मनी। सॉरी, यू हैव डन अ गुड जॉब, सो डोंट वरी अबाउट द मनी, आई गिव इट टू यू, ओके? Congratulations, Pusari. You're gonna be a rich man. Take it. Come on. Come on, Pusari. Take it. Don't hesitate, Pusari. Come on. It's your money. Hey, who's that? Hey, hey, you. Uh-huh. Check that guy. Hey, idhar aa. Get him. Faster. Who's that guy? Something's wrong. Hey, Pusari. You said there's no one in the village, but who's that? What's happening? Get him! Sorry, I believed you, but you have cheated me. I'm gonna kill you now. I'll kill you. Hey. मार इन कुत्तों को। Hey, हम लोगों को मिट्टी में मिलाकर इस मिट्टी से क्या ले जाना चाहते हो? बोल रहे, सच बता। हम एक इंटरनेशनल माफिया टीम है, बड़े बड़े देश तरक्की करने वाले देशों को खत्म करने में तुले हुए हैं। एक देश की तरक्की के लिए सैटेलाइट छोड़ा जाता है, लेकिन आज तरक्की करने वाले देशों से नैसर्गिक संसाधन खोज कर उसे चुराने के लिए बड़े बड़े देश के लोग सैटेलाइट छोड़ा करते हैं। ऐसा ही एक देश ने हमको दिया हुआ असाइनमेंट आपका विलेज था, इसीलिए हम यहाँ आए। आपके विलेज में पावरफुल नेचुरल रिसोर्स होने का हमको एक इंफॉर्मेशन मिला। हमारी टीम ने तुम्हारे ही लोगों के जरिए पानी की प्रवाह देखने के बहाने भिजवाया था। वहां पर हमको मिला हुआ स्टोन चेक करके देखने पर बहुत शॉकिंग लग रहा था। वो एक पावरफुल यूरेनियम था। इसे पाने के लिए कई देश जितना करोड़ चाहिए खर्चा करने तैयार थे। उसे इलीगली निकालने के लिए तुम्हारे एमएलए से मिले। दिस विलेज इज आवर टारगेट, सो वी गॉट टू पुश द पीपल आउट ऑफ द विलेज एंड गेट इट अंडर आवर कंट्रोल। सो वी गॉट सम मेथड्स फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी क्रिएट सम क्लैशेस एंड डिस्ट्रॉय देयर पीस, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्प्रेड सम डेंजरस वायरस टू किल द पीपल। फॉलो द स्टेप्स टू इवैक्यूएट द पीपल। सो आई वांट यू टू कोऑपरेट विद अस। यू गॉट इट? एमएलए एंड द एडवांस मनी 500 क्रोर्स इज इन दिस ब्रीफकेस। अरे चुप कर, इन पैसों से चैन की जिंदगी जीऊंगा सोचा था, सलाखों के पीछे भेज देगा लगता है। दो लोगों को मारना और चार घर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तू तो पूरा गांव खाली कराना चाहता है। एक राजनीति वाले के लिए ठीक नहीं रहेगा। देश के आज सब लोग अप टू डेट हैं, कहीं एक छोटी सी गलती हुई तो पूरा गांव स्ट्राइक करने लग जाता है। तुम लोगों को मैं फॉलो करूंगा तो मैं उस गांव में जाकर वोट नहीं मांग सकूंगा, इस गांव में एक मुट्ठी माटी भी नहीं लिख सकूंगा। मेरे परदादाओं के जमाने में फंसाकर चले गए थे, वैसे समझ रहे हो क्या? अब जमाना बदल गया है भैया, अगर मैं तेरे कहने से चल गया तो प्रेस मीडिया वाले मुझे फंसा देंगे बड़ी आसानी से। जनता की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है मैं सब जानता हूँ। आई विल डू इट, यू डोंट वरी। सरपंच जी, इन लोगों को इधर ही मारकर गाड़ देते हैं, तभी ऐसे लोगों के मन में डर बैठेगा जो अपने गाँव की तरफ गलत नजर से देखते हैं। ए,
इस मिट्टी और हमारे जान को हम एक समान देखते हैं। तुम्हारे स्वार्थ की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। चेन्नई के बगल में कल रात एक गांव के पास अज्ञात विदेशी लोग पकड़े गए। पूरे गांव को विभूति में जहर मिलाकर मारने का षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। इन विदेशी नागरिकों को मदद करने वाले केंद्रीय मंत्री राजशेखर, एमएलए स्वामीनाथन, पुजारी और अन्य लोगों को कैद किया गया है। उनके पीछे और किन किन का हाथ है, पुलिस अभी छानबीन कर रही है। इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करने का सीबीआई को आदेश दिया गया है और सीबीआई ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है। इस घटनाक्रम के बारे में आप जनता की क्या राय है हमें बताइए। भूत पिशाच के नाम से तो कोई भी डरेगा, लेकिन जिसने ये आइडिया बनाया है ना, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। बाहरी देश के लोग हमेशा हमें तंग करते रहेंगे। बाहरी देश का सामान ही मत खरीदो, वो हम तक पहुंचेगा ही नहीं। छठी इंद्रिय ये मनुष्य का प्राण है। जीव राशि में केवल मनुष्य के पास ही छठी इंद्रिय होती है। इंसान आशा की राह पर चलना चाहता है, ज्ञान की राह पर चलकर उसे निर्णय लेना होगा, अन्यथा हमें विदेशी मुल्कों के गुलामी से कोई बचा नहीं पाएगा। अब तो जाग उठो मेरे देशवासियों। अपने गाँव को इतने बड़े आफत से बचाकर तूने बहुत बड़ा काम किया है। गाँव वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या धन्यवाद, अरे वो किसे चाहिए। ठीक है, समझ गया। हम गांव वालों ने एक साथ मिलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। अरे पैसा किसने वसूल किया? अरे सरपंच जी, पैसा किसको चाहिए? अरे मेरे सामने मेरी इतनी बड़ी दौलत खड़ी है, तो आपके पैसे का क्या करूंगा मैं? और क्या वेल्लू स्वामी? अरे काम धंधा करता नहीं लड़की कैसे दूं? क्यों वेल्लू स्वामी, पूरे गांव का ख्याल रखता तेरी बेटी का ख्याल नहीं रखेगा? अपने गांव पर आफत आने पर विदेशियों से लड़कर हमारे गांव को बचाया, मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया था। आज से अपने गांव का सरपंच, अध्यक्ष, सब कुछ सत्याई है। मैं और सरपंच? अरे सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? युवा पीढ़ी को आगे करने का मैंने सोचा है। अरे वेलू स्वामी, पूरे गांव वाले एक साथ पूछ रहे हैं, हमारे सरपंच को तुम अपनी लड़की दे सकते हो कि नहीं? प्लीज पापा। अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे चुप क्यों हो, बोलो। हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ। सत्या, तुम्हारी जीत हो गई। Thank you.